दिल्ली के पास छतरपुर का एक फार्म हाउस। जी हाँ, फार्म हाउस में स्विमिंग पूल भी है और सभी तरह की सुविधाएं हैं। यहाँ पर होता है एक रेव पार्टी का आयोजन। जी हाँ, रेव पार्टी, जिसमें सेक्स, नशा, नशीले पदार्थ, शराब सब कुछ है। यौवन है, मस्ती है, जवानी है, सब कुछ है। सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ इकट्ठा होते हैं कुल 160 लोग। 160 में से 100 पुरुष हैं, 60 महिलाएं हैं, महिलाएं यानी युवतियाँ। ठीक शाम को होती है शुरू रेव पार्टी। रेव पार्टी, जी हाँ, जिसमें सबसे पहले होता है खुलेआम शराब का सेवन, बियर, वोदका, विस्की, विदेशी शराब, जिसे जो चाहिए सब कुछ हाजिर है। बिंदास लड़के लड़कियां शराब का सेवन करते हैं और नशे में झूमने लगते हैं। जब नशे में झूमने लगते हैं तो शुरू होता है कोकीन और अन्य तरहों का नशा, जिसकी जैसी हैसियत। गांजा भी है, भांग भी है, चरस भी है, कोकीन भी है और उससे महंगी विदेशी नशे भी हैं। यह हैसियत पर निर्भर करता है कि किसके पास कितना पैसा है, कौन कितना खर्च कर सकता है। जी हाँ, शराब के नशे के बाद शुरू होती है डांस पार्टी, जिसमें अर्धनग्न युवतियाँ और युवक एक दूसरे की बाहों में डांस करते हैं। डांस करते करते वे अपनी सुध-बुध भी खोने लगते हैं। युवतियाँ सारी लाज शर्म छोड़कर बुरी तरह से नग्न होकर थिरकने लगती हैं। कुछ को तो नशा इतना चढ़ जाता है कि वे किसी कोने में सिमट जाते हैं, लेकिन अकेले नहीं, किसी साथी के साथ। एक अजीब सा शोर है, अजीब सा माहौल है, चारों तरफ शोर गूंज रहा है और गूंज रही हैं उसके साथ कुछ सिसकियाँ। जी हाँ, ये रेव पार्टी है, ये भारत का नया चलन है, ये देश के नौ धनाढ्य लोगों का नया चलन है, जिसमें गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। स्थान है तो बिगड़ेल अमीरजादों के बेटे और बेटियों के लिए, जो हजारों रुपए इस तरह की रेव पार्टी पर खर्च कर देते हैं। नशे में झूमते हुए, एक दूसरे से लिपटते हुए और तमाम सीमा रेखाओं को तोड़ते हुए यह रेव पार्टी चल रही है। इसी बीच अचानक एक व्यवधान पैदा होता है और पुलिस के सायरन सुनाई देने लगते हैं। पुलिस ने फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर लिया है। जैसे ही सबको पता चलता है, कुछ अर्धनग्न युवतियाँ बाहर की तरफ भागती हैं, कुछ युवक भागते हैं, कुछ नशे में धुत हैं, वो गिर पड़ते हैं। कुल मिलाकर पुलिस सभी को दबोच लेती है। पुलिस भी ये देखकर दंग रह जाती है कि किस तरह से नौ धनाढ्य वर्ग की ये लड़कियाँ अर्धनग्न स्थिति में, नग्न स्थिति में, उन्हें सबसे पहले तो पहनने के लिए कपड़े दिए जाते हैं। कोई इधर लुढ़क रही है, कोई इधर लुढ़क रहा है और फिर शुरू होती है पुलिस की कार्रवाई। और यही खबर फिर दूसरे दिन अखबारों में छपती है। लेकिन ऐसा नहीं है, यह तो एक रेव पार्टी का किस्सा है। आए दिन पूरे देश में रेव पार्टियों के आयोजन होते रहते हैं और इसका सबसे बड़ा माध्यम है सोशल मीडिया। तो देखिए इस तरह से नौ धनाढ्य वर्ग किस तरह से अपने पैसों की बर्बादी करता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रेव पार्टी। तो ये है रेव पार्टी का नंगा सच। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।